कोरोना काल में लॉकडाउन समेत कई तरह के प्रतिबंधों के लगने से कारों समेत पूरे वाहन बाजार को भारी नुकसान हुआ था। इसके बाद डिमांड बाजार में लौटी तो सेमीकंडक्टर संकट के चलते प्रोडक्शन घट गया और कारों पर महीनों लंबी वेटिंग ने इनकी बिक्री में डेंट लगा दिया। अब सेमीकंडक्टर की सप्लाई सामान्य हो रही है तो तेजी से बढ़ते सीएनजी सेगमेंट को झटका लगने की आशंका है। इसकी वजह है कि बीते एक साल में पेट्रोल डीजल के दाम तो तकरीबन एक ही स्तर पर जमे हुए हैं, लेकिन इन 12 महीनों में सीएनजी की कीमत 70% तक बढ़ गई है। इस बढ़ोतरी के असर से आशंका है कि सीएनजी वाहनों की बिक्री इस साल अनुमान के मुकाबले 30% कम रह सकती है, यानी 7.5 लाख सीएनजी चालित वाहनों की बिक्री का अनुमान अब घटकर 5.5 लाख रह गया है। हालांकि ये आंकड़ा 2021-22 में बिके 2.61 लाख सीएनजी वाहनों के मुकाबले करीब 2 गुना है। बिक्री का अनुमान घटने की सबसे बड़ी वजह सीएनजी कारों की रनिंग कॉस्ट में हुआ इजाफा है। दरअसल अप्रैल के पहले तक कंपनी फिटेड सीएनजी कार का 1 किलोमीटर चलने का खर्च 1.60 रुपए प्रति किलोमीटर था, लेकिन इसके बाद जिस तरह सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं उसके बाद अब ये खर्च दिल्ली में बढ़कर 2.70 रुपए प्रति किलोमीटर हो गया है, जिससे लोगों की जेब पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। हालांकि ये खर्च अभी भी पेट्रोल डीजल कार के मुकाबले अभी भी करीब आधा है, जबकि बीते एक साल में पेट्रोल डीजल कार की रनिंग कॉस्ट 5.30 रुपए प्रति किलोमीटर से घटकर 5 रुपए प्रति किलोमीटर रह गई है। पेट्रोल डीजल और सीएनजी के बीच दाम का अंतर देश के अलग अलग शहरों के रेट के हिसाब से 3 रुपए से लेकर 15 रुपए तक है, लेकिन सीएनजी का माइलेज 30% तक ज्यादा होने की वजह से रनिंग कॉस्ट में कमी आती है। नेचुरल गैस के दाम सरकार साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में तय करती है। इस बार 1 अप्रैल को प्राकृतिक गैस के दाम को बढ़ाकर $6.10 प्रति MMBTU किया गया था। अब अक्टूबर से इसकी कीमत 40% बढ़ाकर $8.58 प्रति MMBTU कर दी गई है। रिलायंस और BP के संचालित KG बेसिन जैसे मुश्किल क्षेत्रों से निकाली जाने वाली गैस की कीमत $9.92 से बढ़ाकर $12.06 प्रति MMBTU कर दी गई है। प्राकृतिक गैस का दाम $1 बढ़ने से CNG 4.5 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो जाती है। ऐसे में करीब $2.50 की बढ़ोतरी से CNG 11 रुपए प्रति किलो से ज्यादा महंगी हो सकती है, यानी CNG कारों की बिक्री को इस संभावित बढ़ोतरी से जोर का झटका लग सकता है। वैसे भी जिस तरह से CNG कारों के लिए ग्राहक जो ज्यादा कीमत चुकाते हैं और बूट स्पेस से समझौता करते हैं, वो CNG के दाम बढ़ने के बाद उनसे समझौता नहीं कर पाएंगे। इससे कंपनी फिटेड CNG कारों की बिक्री घटना तय है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।